क्षति है। सुजीत मेहता जी जैसे लोग क्रांतिकारी को निर्मम हत्या की जा रही है। कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई पिछड़ों का आवाज़ उठाए। इसी कारण सुजीत मेहता जी के हत्या हुई और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और धन्य है वे माँ जो सुजीत मेहता जी जैसे लाल को जन्म दिए, जो समाज के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ, आखिर कब तक और कितना लोगों को बलिदान देना पड़ेगा ताकि समाज के लोगों की आंखें खुल सके। हम सब लोगों को एकजुट होकर इस ऐसे विचारधारा वाले अपराधियों से लड़ने की जरूरत है। सुजीत मेहता जी के परिजनों का भी आरोप है कि सरकार और प्रशासन जो कमिटमेंट किया था इनकी सुरक्षा, अपराधियों की गिरफ्तारी, लेकिन प्रशासन की एक्टिविटी क्रियाकलाप से असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके स्तर से क्या किया जाए? देखिए, जब तक से सुजीत मेहता जी की शहादत को हम लोग इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी सुरक्षा है उनकी पत्नी को परिवार को मिले। हम लोग इस विकट परिस्थिति में हम लोग उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।